यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर संलग्न स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग गुजरात सरकार द्वारा निर्मित हृदय रोग अस्पताल साल 1982 में एक कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से शुरू किया गया यूएन मेहता हॉस्पिटल 3 दशकों में प्रधानमंत्री जी के विजन का एक विशाल प्रतीक बना है। आज 8 लाख वर्ग फुट एरिया और 1251 बेड क्षमता के साथ यूएन मेहता हार्ट हॉस्पिटल विश्व के सबसे बड़े कार्डियक हॉस्पिटल्स में से एक है। देश का सबसे बड़ा सिंगल सुपर स्पेशलिटी कार्डियक हॉस्पिटल और प्रशिक्षण संस्थान है। साथ ही आज यहां पर इमरजेंसी में बिना एडवांस भुगतान के ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। राज्य और केंद्र सरकार की सभी योजनाओं के तहत सहायता दी जाती है। प्रतिदिन 800 ओपीडी मरीजों को मिलती है स्वास्थ्य सेवाएं। हर साल किए जाते हैं करीब 21,000 हार्ट प्रोसीजर और होती हैं बच्चों की जटिल हार्ट सर्जरी सहित 5,500 हार्ट सर्जरीज। मगर इतना काफी नहीं, अब भी लाखों लोगों तक उचित उपचार पहुंचाना बाकी है। 6 अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब, 12 कार्डियक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स, हार्ट एवं लंग ट्रांसप्लांट ICCU, अत्याधुनिक पीडियाट्रिक एवं नवजात के लिए मदर एंड नियोनेटल केयर ICU, अत्याधुनिक उपकरणों से लैस ICU, रिकवरी रूम, न्यूमैटिक सिस्टम और मदर मिल्क बैंक भी। वैसे सिर्फ सुविधाओं को ही नहीं, बिल्डिंग को भी अत्याधुनिक बनाया गया है और नई बिल्डिंग गृहस्थ स्टार रेटेड और लेटेस्ट इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी से लैस है। तो कुल मिलाकर नए यूएन मेहता हॉस्पिटल में सिर्फ मेडिकल साइंस ही नहीं, मानवता के भी उपचार मिलते हैं। पैसे नहीं, आशीर्वाद की कमाई होती है। देश ही नहीं, पूरे विश्व से सराहनाएं कमाई जाती हैं। इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने यूएन मेहता हॉस्पिटल को दिया है एक छोटे से कैंपस से उठाकर एक वैश्विक रूप, जिन्होंने मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण इलाज को ही माना है मेडिकल क्षेत्र की सच्ची तरक्की। यूएन मेहता हॉस्पिटल में अनेक सेवाओं का विस्तार, जिसमें शामिल है देश का पहला एडवांस्ड कार्डियक ICCU ऑन व्हील्स विद OT, वेंटिलेटर, IABP और ECMO। साथ ही दूर दराज के मरीजों तक इलाज, मार्गदर्शन और फॉलो अप पहुंचाने के लिए टेली कार्डियोलॉजी मोबाइल ऐप। भाइयों और बहनों, गुजरात में आज सर्वोदय के साथ ही आरोग्योदय भी हो रहा है। ये आरोग्योदय अपने आप में एक नया नजराना है। आज भारत के सबसे बड़े कार्डियक अस्पताल के रूप में यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर का लोकार्पण किया गया है। ये देश के उन चुनिंदा अस्पतालों में से हैं जिसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और उतनी ही आधुनिक हेल्थ फैसिलिटी भी है। बदलती लाइफस्टाइल के कारण हार्ट से जुड़ी समस्या को हम देख रहे हैं, दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है, छोटे बच्चों में हो रही है। ऐसे में ये अस्पताल गुजरात ही नहीं, देश भर के लोगों के लिए बहुत बड़ी सुविधा है। वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी बाड़कों प्रत्ये खूबज वहाल अने प्रेमनी लागणी धरावे छे। नवी शिक्षा नीति होय के आयुष्मान भारत योजना, तेमणे नाना बाळकों ने हमेशा ख्याल राख्यो छे। थोड़ा महीनाओ पूर्वे ज प्रधानमंत्री श्री अमदावाद में बाळ हृदय रोगनी सारवार माटे देशनी सौथी अत्याधुनिक हॉस्पिटल यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी खाते खुल्ली मूकी छे। अति आधुनिक उपकरणोथी सज्ज यूएन मेहता इंस्टीट्यूट गुजरातना आरोग्य क्षेत्र एक उत्कृष्ट भेज छे। यूएन मेहता हार्ट हॉस्पिटल में राज्य अने केन्द्र सरकार की विविध योजनाओं हेठळ दर वर्षे हजारों बाळकों की हार्ट सर्जरी निःशुल्क करवामां आवे छे। वडाप्रधान श्री नरेन्द्र भाई मोदी नेतृत्व में गुजरात सरकार राज्य बाळकों स्वास्थ्य अंगे हर हमेश चिंतित रही छे। बाळकों सुस्वास्थ्य सुनिश्चित थाय ते माटे छेल्ला 2 दायका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनेक पगला भर्या छे। राष्ट्रीय बाळ सुरक्षा कार्यक्रम और शाला आरोग्य तपासणी कार्यक्रम थकी गुजरात सरकारे राज्यना करोड़ों बाळकों की शरीर की तकलीफ दूर करी छे। जन्मजात मुखबधिर बाळकों ने वाचा आपी छे। बाळकों ना योग्य स्वास्थ्य पोषण और शिक्षण थकी ज आपणे उन्नत गुजरात निर्माण करी शकीशुं।
वडाप्रधान श्री नरेन्द्र भाई मोदी उत्तम बनावेला गुजरात ने सर्वोत्तम बनावी शकीशु। 29मी तारीख विश्व हृदय दिवस अने हृदय दिवसे लोकोना हृदय विश्व में सारा रहे ए माटेनो एक मैसेज एक संदेशो शू करवू जोईए शू ना करवू जोईए केवी रीते हृदय ने स्वस्थ राखी शकाय ए बाबतनी जागृति फैलावतु अभियान एटले 29मी तारीख आ मेडिसिटीनी अंदर विश्व में हूँ विश्वनी बात करूँ छू भारत देश की बात नहीं करते ज्यां पण आरोग्यनी फेसिलिटी उपलब्ध है सर्वश्रेष्ठ काम विश्व में मेडिसिटी में थयुं तमने सौने अभिनंदन पण आपूं छूं। अमारा वडील एवा डॉक्टर साहेबे आ शुरू करेलो यज्ञ हजू पण टेलिमेडिसिन द्वारा जिल्लाना खूणे खूणे जाए राज्यना खूणे खूणे जाए અને સાહેબ કદાચ આ ટેકનિકલ ને મેડિકલ વિષયને તમારી ટર્મિનોલોજીમાં અમને ખબર ના પડે પણ તમારી ટર્મિનોલોજીને અમે એને વાચા આપવા અને સરકારની જ્યાં જરૂર પડે સરકાર બિલકુલ સંવેદનશીલ થઈ તમારી સાથે યુએન મહેતા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જ્યાં સુધી હૃદયની બાબત છે એમાં શિક્ષણ આપીને અને સાથોસાથ મોટી સંખ્યામાં લોકોને જેને હૃદયરોગ થાય એટલે એમને પણ સારવાર આપે છે અને એમના અટકાવ માટે પણ શું શું થવું જોઈએ જે પ્રમાણે કહ્યું સ્ટ્રેસથી દૂર રહેવું લાઇફસ્ટાઈલમાં બદલાવ કરવું સ્મોકિંગ ન કરવું એક્સરસાઇઝ તો આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં પણ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં સર્જરી દર વર્ષે થાય છે દૂર દૂરથી બીજા રાજ્યોમાંથી પણ અહીંયા દર્દીઓ આવે છે એટલે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જે છે હજી પ્રચાર પ્રસારની મેં વાત કરી એમાં રિસર્ચ પણ સામેલ થઈ જાય અહીંયા આ બાબતની રિસર્ચ વધારે થાય કે કેવી રીતે આ રોગનો અટકાવ થાય અને આ દિવસ મનાવવા માટેનું જે WHOનું હેતુ છે કે વધારેમાં વધારે પ્રિવેન્શન થાય કેમ કે એકવાર રોગ થઈ જાય તો પછી એની સારવાર અને બીજું બધું જે છે એ તો કરવાના જ છીએ અને આ સારવારમાં પણ વધારે રકમ ફેમિલીની કુટુંબની જે તે વ્યક્તિની અને સમાજની એ વપરાય છે એના કરતાં એને અટકાવીએ તો એના ઘણા લાભ સમાજને મળે વ્યક્તિને જ નહીં મળે વ્યક્તિને તો મળે જ અંગત રીતે પણ સમાજમાં પણ પ્રોડક્ટિવિટી વધે। ગુજરાત કી ઓર સે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીજી કા બહોત બહોત ધન્યવાદ।